तो दोस्तों ट्विटर ने एक प्रकार से भारत का कानून मानने से मना कर दिया और किस प्रकार से भारत सरकार उसकी लंका लगाने के लिए तैयार प्रतीत हो रही है और दूसरी तरफ किस प्रकार से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो खालिस्तानियों के साथ बेड शेयर कर रहे हैं और किस प्रकार से कनाडा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है भारत के खिलाफ, आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों ट्विटर की इंडियन और साउथ एशियन हेड महिमा कॉल के रेजिग्नेशन की कल खबर आती है और जो कारण बताया जाता है वो पर्सनल बताया जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने जनवरी के अंदर ही रिजाइन कर दिया था, लेकिन ये थोड़ा सा अनलाइकली लगता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सिनेरियोज ऐसे पैदा होते जा रहे थे कि सिचुएशन नरेंद्र मोदी वर्सेज महिमा कॉल ट्विटर बनती जा रही थी। क्या हुआ था ऐसा? तो जी ट्विटर ने ना भारत का कानून मानने से मना कर दिया था एक प्रकार से और एक प्रकार से वो दंगा भड़काने वाले जो लोग थे उनके साथ खड़ा प्रतीत हो रहा था। कैसे? तो जी 26 जनवरी को जो भारत में दिल्ली के अंदर हुआ वो सब तांडव हमने देखा है, किस प्रकार से दंगों को भड़काया गया, किस प्रकार से ट्रैक्टर्स के नीचे पुलिस वालों को रौंदने का प्रयास किया गया, महिला पुलिस वालों को पीटा गया और किस प्रकार से भारतीय ध्वज का अपमान किया गया लाल किले के ऊपर, वो हम सबने देखा था। और उसके बाद ट्विटर पर पता है किस प्रकार से ट्रेंड चल रहे थे। तो जी 1 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक लेटर भेजा ट्विटर को जिसमें 250 ट्विटर अकाउंट्स की डिटेल थी ट्वीट्स के साथ और उनको बैन करने की बातें कर रही थी मिनिस्ट्री ट्विटर से। क्यों? क्योंकि ये जो अकाउंट्स है ना ये 30 जनवरी को एक ट्रेंड चला रहे थे और उसमें ट्वीट्स कर रहे थे। क्या था वो ट्रेंड? क्या ट्रेंड चलाया जा रहा था? तो जी मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड, यानी मोदी जो है किसानों के नरसंहार की तैयारी कर रहा है। अब दिल्ली के अंदर ऑलरेडी दंगे फैल चुके थे, सरकार कुछ नहीं कर पाई थी, अब पूरे देश के अंदर इस प्रकार से दंगे फैल जाएं तो सोचिए क्या होगा। कोशिश इसी प्रकार की जा रही थी, इस प्रकार से नेशनल ट्रेंड चला करके मोदी जो है फार्मरों के नरसंहार की तैयारी कर रहा है। इस पर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और करीब 250 ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करने को कहा ट्विटर को। इसमें द कारवा, किसान एकता मोर्चा और संयुक्ता जैसे लोगों के अकाउंट्स थे, सारे अकाउंट्स लिब्रांडू समाज से थे, ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है। अब गवर्नमेंट की तरफ से सीधा सीधा ऑर्डर आया था तो ट्विटर ने कुछ समय के लिए ऐसा कर भी दिया और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि सारे अकाउंट्स लिब्रांडू समाज से थे तो हल्ला मचना तय था। इतना रोना रोया गया ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे कान में मच्छर घुस गया। लेकिन गजब देखिए, सारे दंगा भड़काऊ अकाउंट्स को ट्विटर ने कुछ ही घंटों में दोबारा से रीओपन कर दिया और वो ट्विटर पर बेदखल चल रहे हैं। गजब की बात यह है कि ट्रू इंडोलॉजी जैसे जो अकाउंट है जो सारी बातें प्रमाणों के साथ ट्विटर पर रखते थे उन्हें कई बार डिलीट किया जा चुका है हमेशा के लिए। सारी बात पूरे प्रमाणों के साथ रखने के बावजूद, दंगा भड़काऊ कोई बयान ना देने के बावजूद और बिना गाली गलौज की भाषा यूज करने के बावजूद। दूसरी तरफ ईरान का जो नेशन हेड था वो किस प्रकार से खुलेआम नरसंहार की बात कर रहा था ट्विटर पर और वो ट्विटर पर बना हुआ था, वो हम सभी ने देखा। तो जी लिब्रांडू दंगा भड़काऊ अकाउंट जो है बिना किसी देरी के रिस्टोर कर दिए गए। लेकिन सोचकर देखिए ये हुआ कैसे होगा? तो जी ट्विटर की जो हेड हैं महिमा कॉल, जिन्होंने रिजाइन किया है, वो बेसिकली मोदी हेटर रही हैं, साथ में राहुल गांधी को पसंद करने वाली रही हैं और उसके साथ साथ टेरर अपोलोजिस्ट भी प्रतीत होती हैं। बहन को बुरा लगता था जब कसाब को कोई पाकिस्तानी कह देता था, अब कसाब को पाकिस्तानी नहीं तो क्या चंद्रवासी कहेंगे। यह महिमा कॉल के पुराने बयान हैं तो आज की महिमा कॉल को पुराने बयानों से जज करना उचित नहीं है, लेकिन ट्विटर के अंदर उनके रहते हुए जो एक्शंस लिए जा रहे हैं उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदला है। खैर जब महिमा कॉल के डायरेक्शन में ये एक्शंस लिए गए अकाउंट्स को रिस्टोर करने के, दंगाई अकाउंट्स को रिस्टोर करने के ट्विटर के द्वारा, तो भारतीय सरकार ने भी चुप्पी नहीं साधी, एक नोटिस भेज दिया जिसके अंदर साफ साफ कहा गया कि आप भारत के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और सेक्शन 69A के तहत जो आईटी एक्ट है उसके अंतर्गत आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। भारत सरकार ने ट्विटर को नोटिस भेजा। क्या मतलब इस बात का? तो जी ट्विटर ने सारे लिब्रांडू अकाउंट्स को ये कहते हुए अनब्लॉक किया, रिस्टोर किया कि भाई हमने सब कुछ चेक कर लिया है, अकाउंट्स में जो कुछ भी इन्होंने लिखा है ना वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने उनको लेटर लिखते हुए कहा कि ट्विटर भारत की कोर्ट नहीं है, भारत में कोई जज नहीं है, भारत के कानून के अनुसार ट्विटर इज बाउंड टू फॉलो द डेजिग्नेटेड ऑफिसर, उनका ऑर्डर मानना पड़ेगा। क्या मतलब है इस बात का? तो जी ट्विटर ने ना खुद ही उन अकाउंट्स को चेक कर लिया
लिया और कह दिया कि भाई ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अनुसार इन्होंने जो भी बयान दिए हैं वो दे दिए हैं, तो हम इनको रिस्टोर कर लिए हैं। जबकि भारत के कानून के अनुसार दंगे जैसी स्थिति में इस प्रकार से जो बयान दिए जा रहे हैं तो वो दंगा भड़काऊ बयान है, और ये दंगा भड़काऊ बयान जज करने की जो स्थिति है वो एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर की होती है, वो इसका हक होता है, ट्विटर का हक नहीं होता है, और इस प्रकार से ये भारत के कानून का उल्लंघन हो जाता है। ट्विटर नहीं माना, अकाउंट्स चलते रहे महिमा कॉल की अध्यक्षता में, और सवाल सिर्फ इतना आ गया कि भाई भारत के अंदर भारत का कानून चलेगा या फिर रिपब्लिक ऑफ ट्विटर का। और आज जो है वो महिमा कॉल ट्विटर अध्यक्षा के रिजाइन की खबर आ गई। अब सवाल ये आ जाता है कि महिमा कॉल ने अगर जनवरी के अंदर रिजाइन किया था जैसा कि ये लोग कह रहे हैं, तो ये खबर जो है वो जनवरी के अंदर आउट क्यों नहीं हुई? महिमा कॉल इतनी बड़ी एंटी मोदी थी कि उनके रिजाइन की जो खबर थी वो भक्त मंडली के अंदर होली मनाने जैसा उत्सव जो है वो पैदा कर सकती थी। खबर छुपने का सवाल ही नहीं था, तो ऐसा हो सकता है कि भारत सरकार टफ हो गई हो और पुण्य प्रसून वाजपेयी और अभिसार शर्मा की तरह महिमा कॉल की भी विकेट गिरा दी गई हो। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि किस प्रकार से पुण्य प्रसून वाजपेयी ने एक महाझूठ फैलाया था मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, और उसके कुछ दिनों बाद ही उनकी विकेट गिर गई थी। और दूसरी तरफ अभिसार शर्मा ने भी एक नाबालिग लड़की के बलात्कार की झूठी खबर फैलानी शुरू की थी और उसके कुछ दिनों बाद उनकी भी विकेट गिर गई थी। अब इन विकेट्स के गिराने में मोदी गवर्नमेंट का हाथ है या नहीं है, ये बात हम तो कह नहीं सकते, ना हम जानते हैं इसके पीछे की क्या कहानी है, बैकग्राउंड में क्या पता हमें क्या चलता है। लेकिन दूसरी तरफ इतना जरूर है कि 1178 खालिस्तानी और पाकिस्तानी अकाउंट्स ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जिनको ट्विटर के पास दूसरी लिस्ट के तौर पर भेज दिया गया है कि भाई इनको भी ब्लॉक करो, तो नकेल पूरी कसी जा रही है सरकार की तरफ से। दूसरी तरफ जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की एक मिनिस्टर अनीता आनंद जो है कल इस हालत में मिली जब उनसे वैक्सीन के ऊपर प्रश्न पूछा गया। Has the minister or the prime minister phoned Prime Minister Modi to ask if we could get vaccines from India? Well, thank you for that question. I am in regular communication with organizations and countries around the world to secure doses of additional vaccines. Thank you. Have we phoned Prime Minister Modi? I personally have not phoned Prime Minister Modi, and I can't speak for anyone else in our government. Thank you. Does the minister know if the Prime Minister has reached out to the Indian government? I do not know. Thank you. She doesn't know. That's... क्या मतलब है इस बात का? तो जी कनाडा के अंदर फाइजर और मॉडर्ना की जो वैक्सीन है उनके आने में देरी हो रही है भिन्न भिन्न कारणों से, और दूसरी तरफ भारत जो है वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादक है और भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग देशों में वो वैक्सीन भेज भी रहा है, कई देशों में फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहा है अभी तक। तो वहाँ की एक MP ने वहाँ की एक मिनिस्टर अनीता आनंद से सवाल पूछा है कि क्या आपने वैक्सीन के बारे में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से बात की है, और वो मिनिस्टर कह रही है कि नहीं की। भारत की जब लिस्ट देखते हैं तो उसमें कनाडा का दिखाई देता है, लेकिन वहां की मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने तो बात ही नहीं की है, तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं? तो दो रीजन हो सकते हैं। पहली बात यह कि सचमुच में ही बात ना की हो, और दूसरी बात यह कि बात तो की है लेकिन उसे पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लेकिन क्यों? तो जी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने फार्मर एजुटेशन को भारत के खिलाफ सपोर्ट कर दिया है, भारत की सरकार के खिलाफ, जबकि WTO में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में यही ट्रूडो जो है वो भारत के किसानों को जो MSP दी जाती है उसके विरोध में बोलता है। तो अब ये फार्म एजुटेशन को सपोर्ट क्यों कर रहा है? तो उसका रीजन है कि जगमीत सिंह खालिस्तानी, ट्रूडो की जो सरकार है वो इसी जगमीत सिंह के सहारे चलती है क्योंकि वहां पर उसे क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, और जगमीत सिंह जो है वो पूरा खालिस्तानी है और वो ट्रूडो को सपोर्ट कर रहा है, तो ट्रूडो को भी उसको सपोर्ट करना पड़ता है कि भाई सरकार ना गिर जाए। लॉजिक बहुत सिंपल है, दो बातें ही हो सकती हैं, या तो कनाडा जो है वो भारत से हेल्प मांग ही नहीं रहा है क्योंकि खालिस्तानियों के सपोर्ट से सरकार चल रही है और खालिस्तानियों को ट्रूडो नाराज करना नहीं चाहता तो वो भारत से हेल्प मांग ही नहीं रहा है। दूसरी तरफ बात ये हो सकती है कि कनाडा ने तो हेल्प मांगी है लेकिन भारत जो है वो हेल्प करने में डिले कर रहा है। क्यों? क्योंकि खालिस्तानियों का वो सपोर्ट कर रहे हैं और भारत तो उनके खिलाफ है इस वजह से। दोनों ही कंडीशंस में कनाडा के जो लोग हैं आम लोग उनका नुकसान है, और ऐसा खालिस्तानियों की वजह से हो रहा है ये वहाँ की सरकार सामने लाना नहीं चाहती। तो वहाँ की जो ये मिनिस्टर है अनीता आनंद ये कह रही है कि हमने बात ही नहीं की।
लेकिन दूसरी तरफ कल जो है नरेंद्र मोदी का इन खालिस्तानियों के खिलाफ ये बयान आया था। तो स्टैंड जो है वो पूरी तरीके से टफ है, ट्विटर भी झेल रहा है और कनाडा भी झेल रहा है खालिस्तानियों के सपोर्ट को। तो ये स्टैंड कब तक टफ रहने वाला है ये तो मैं नहीं जानता। दूसरी तरफ क्या ये स्टैंड मॉरली सही है या नहीं ये भी मैं नहीं जानता। ये बात आप लोग जानते होंगे क्योंकि मेरे भोलेपन को तो आप जानते ही हैं। तो आप हमें बताइए इस बात के बारे में कि ये स्टैंड कब तक रहने वाला है भारत का टफ स्टैंड जो है। दूसरी तरफ आप हमें यदि सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com है उसके लिए और ज्वाइन बटन है जिनके थ्रू आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर है। साथ में आप हमारे मर्चेंडाइज ले सकते हैं bhokalfactory.com से। जो टी शर्ट मैंने पहनी हुई है वो आप भी प्राप्त कर सकते हैं bhokalfactory.com से, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।